वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो भारत की प्रमुख जिले हैं और उससे रिलेटेड राज्य हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जिलों से संबंधित प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशनल एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी झील किस राज्य में है। शुरुआत करते हैं, उत्तराखंड राज्य में कौन सी झील है? उत्तराखंड राज्य में वो सभी झील हैं जिस झीलों के पीछे ताल शब्द लगता है। ताल शब्द 7 झीलों के पीछे लगता है। दोस्तों देखिएगा और सुनिएगा, सात ताल झील, नैनीताल झील, रोकसताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील, मालाताल झील, ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इन झीलों के पीछे सभी में आप देख सकते हैं कि ताल शब्द लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि ताल शब्द वाले उत्तराखंड राज्य में झीलें स्थित है। तो दोस्तों, इसका ट्रिक बन गया ताल झील, ताल शब्द वाले झील यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब बारी आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की दो प्रमुख ट्रिक है कि जिन झीलों में नाग और नागिन शब्द आ जाए वे जम्मू कश्मीर में हैं। इसके अतिरिक्त तीन और झील हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, नाग और नागिनों वाले जो शब्द हैं वे किन किन झीलों में आते हैं? सबसे पहले है बेरी नाग झील, बेरी नाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। फिर है नागिन झील, नागिन झील, शेष नाग झील, शेष नाग झील। फिर है अनंत नाग झील। दोस्तों नाग और नागिन वाले जम्मू कश्मीर में आते हैं। इसके अतिरिक्त तीन और झील हैं जो जम्मू कश्मीर में आते हैं, आपको इन झीलों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले है डल झील, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील, वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, याद रखिएगा, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर है मानस झील, मानस झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर बारी आती है दोस्तों राजस्थान झील की। राजस्थान में करीब 7 झीलें आती हैं, आपको अच्छे से मैं आपको अवगत कराऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में जो झीलें हैं उनकी एक खासियत है कि उनका नामकरण वहाँ के राजा महाराजा के नाम से या फिर वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर उनका नाम रखा है। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहली झील है राजसमंद झील। दोस्तों इसका ट्रिक बता दूं, जैसे राजस्थान के दो अक्षर पहले हैं राज, तो राजसमंद के भी पहले दो अक्षर है राज, यानी जिस शब्द के आगे राज आ जाए वो राजस्थान की झील होगी, राजसमंद राजस्थान की झील। अगली झील है पिछोला। दोस्तों नाम की ओर ध्यान दीजिए, पिछोला 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 झील राजस्थान की है, नाम में ही बिल्कुल गहराई रखिए दोस्तों, पिछोला झील। फिर है सांबर, सांभर झील ऐसी है दोस्तों, राजस्थान की खारे पानी की झील है, सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की झील। और फिर है डिडवाना, डिडवाना झील भी खारे पानी की झील है। दोस्तों इसका यही ट्रिक बनता है कि सांभर और डिडवाना खारे पानी की झील राजस्थान में है। ये ट्रिक आसानी से आपको याद रहेगी, सांभर और डिडवाना झील खारे पानी की राजस्थानी झील। फिर आता है जैसमंद। एक राजा हुआ करते थे राजा जयसिंह, उसी के नाम पर शायद इसका नामकरण किया गया, जयसमंद झील, यानी इसका ट्रिक हुआ राजा के नाम से जय, जय राजा के नाम से जयसमंद। फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह का आपको पता है कि कौन राजा थे, फतेह सागर झील, ये राजस्थान में है। अगला है लून करन सर, लून करन सर, ये भी झील राजस्थान की है दोस्तों। अब अगली झील आती है लोनार झील। दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र की झील है। आप कैसे याद करेंगे, लोनार महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है,
एक फेमस जगह है लोनार, तो उन्हीं के नाम से इस झील का नाम रहा, लोनार झील महाराष्ट्र में है, आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। फिर है हुसैन सागर और कोलेरू, हुसैन सागर कोलेरू, हुसैन सागर कोलेरू झील, ये अलग अलग झीलें हैं दोस्तों। हुसैन सागर झील अलग है, कोलेरू अलग है, ये दोनों झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। पुलिकट, इसका हम अलग अलग करेंगे, पुलकट, पुलिकट, पुलकट तमिलनाडु की झील है दोस्तों, पुलिकट तमिलनाडु की झील है। फिर है लोकटक, लो कटक, देखिए दोस्तों शब्द में गहराई है, लो कटक, लो कटक का जो अर्थ निकला वो मणिपुर से संबंधित है दोस्तों, लोकट यानी मणिपुर राज्य की यह झील है। अब अगली झील है दोस्तों पेरियार, पेरियार वेम्बनाड अष्टमुदी। पेरियार झील जैसे केरल में यानी एक फेमस झील है पेरियार झील, और वेम्बनाड और अष्टमुदी भी झील आपको इसके साथ याद रखनी पड़ेगी कि पेरियार के साथ साथ वेम्बनाड और अष्टमुदी भी झील केरल में है। अब आती है चिल्का झील, चिल्का झील के बारे में आपको मैं एक बता दूं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, जहां पर नौसेना, भारतीय जो नौसेना है वहां पर प्रशिक्षण भी करती है। चिल्का झील उड़ीसा जिले में है दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा जिले में है जहां पर नौसेना प्रशिक्षण करती है, और यह भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। इस तरह हमने आज हमने जो भारत की प्रमुख झीलें थी उसके बारे में और वहाँ के राज्य के बारे में जानकारी ली। आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।